हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का टॉपिक आज हम देखेंगे। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? अ मैट्रिक्स विच इज फॉर्म्ड बाय टर्निंग ऑल द रोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इनटू कॉलम्स एंड वाइस वर्सा। तो फ्रेंड्स, जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है उससे हम एक नई मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसमें उस गिवन मैट्रिक्स के रो उस नई मैट्रिक्स में कॉलम बन जाते हैं, या आप कह सकते हो उस गिवन मैट्रिक्स का कॉलम्स इस नई मैट्रिक्स में रो बन जाते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड एज ए टी और ए डैश। एक ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स को हम ए टी से डिनोट करेंगे या ए डैश से। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं इसके। अब हमें इसे ट्रांसपोज करना है, तो हमने इसमें सिंबल लगाया है टी। अभी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 बाई 3। इसमें भी हमने टी सिंबल यूज़ किया है। ट्रांसपोज होने के बाद इसके रोज कॉलम में बदल जाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड रो हमारे कॉलम बन चुके हैं, तो इसका जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो गया। जो इसकी रो थी वो इसका कॉलम बन चुका है, एंड जो इसका कॉलम है वो इसका रो बन गया है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में दो टॉपिक हैं, एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकंड है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले अभी हम देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू ए। फ्रेंड्स, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें उसके रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं। हमने माना है कि वो मैट्रिक्स ए है, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसका ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा उसी के। एग्जांपल देखते हैं। लेट ए, हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है -1, जिसमें एलिमेंट है -1, 2, 2, -1। तो अभी इसका ऑर्डर क्या है? 2 बाई 2। 2 बाई 2 इसका ऑर्डर है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो हमारे पास ट्रांसपोज सिंबल आ गया है दोनों में, दोनों साइड। ट्रांसपोज करने के बाद इसके रोज को चेंज कर देंगे कॉलम्स में, तो -1, 2 कॉलम बन गया। देन ये 2, -1 यहाँ कॉलम बन चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है ये वही मैट्रिक्स है जो हमें गिवन थी। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल हो गया उसी मैट्रिक्स के जो हमें पहले ये दिया था। तो ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। एग्जांपल देखते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 0, -3, 3 एंड 0। ये एक मैट्रिक्स है ए, जिसके ये एलिमेंट्स हैं। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करने पर हमारा 0, -3 जो रो है वो कॉलम बन गया है। अब फ्रेंड्स देखिए, -3 यहाँ है तो उसका -3 यहाँ पर है। अभी ये ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरा यहाँ से माइनस लग जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो अब मेरा ये जो मैट्रिक्स आ गया है ये ए मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल हो गया माइनस ऑफ ए के। तो फ्रेंड्स, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें। हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।